Good morning, my dear student. Welcome in science class. Today I am starting reading of chapter 5, soil erosion and conservation. बेटा मैंने बताया था कि लीव्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं. ये पोर्स किस में हेल्प करते हैं? रेगुलेशन ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर लीव में ज़्यादा हो जाता है उसे ये पोर्स जो होते हैं उस वाटर को बाहर निकाल देते हैं. इन्हें कहते हैं स्ट्रोमेटा. और गैसियस एक्सचेंज भी इन्हीं के कारण होता है. तो ये जो पोर्स जब वाटर निकालते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट वातावरण भी कूल हो जाता है. और साथ ही ये हेल्प करते हैं रेनफॉल के लिए. रेनफॉल मतलब बारिश में मदद करते हैं, बारिश में मदद करते हैं. अब आता है सम ऑफ यू हैव सीन हिल्स, माने पहाड़ियाँ आपने देखी होंगी. देयर आर हिल्स ऑफ मैनी डिफरेंट साइज इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारे यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वेरियस साइज, अलग अलग साइज़ की बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं हमारी कंट्री में, हमारे देश में. सच एज चिटगोंग, रंगमती, बंदरबन, खागरा छारी एंड कोमिला. ठीक है, फिर से चिटगोंग, रंगमती, बंदरबन, कांगड़ा छारी एंड कोमिला. दीज हिल्स आर मेड अप ऑफ सॉयल. ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो पहाड़ होते हैं वो किससे बने होते हैं? सॉयल से बने होते हैं. प्लांट ऑफ वेरियस साइज आर ग्रो इन हिल्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वुड. हम बहुत हिल्स में पहाड़ियों पर बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं. और वो जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? फ्लावर्स मिलते हैं, फूल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं एंड वुड माने लकड़ियाँ मिलती हैं. एनिमल्स सच एज मंकी, एलिफेंट, लंगूर्स एंड स्नेक्स आर यूजली फाउंड इन द हिल फॉरेस्ट. कहाँ मंकी मिलते हैं? बंदर, लंगूर, एलिफेंट, हाथी और स्नेक्स माने सांप मिलते हैं. कहाँ पर? हिल फॉरेस्ट, पहाड़ी वाले जंगलों में. ठीक है, मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. बहुत बर्ड्स की हमें पता है, चिड़ियों की बहुत सारी जाति होती हैं, वो इन फॉरेस्ट पर मिलती हैं, इन जंगलों में मिलती है. मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. नोटेबली मैना एंड मुनिया बर्ड्स. यू हैव ऑब्वियसली हियर्ड ऑफ ए काइंड ऑफ स्नैक्स सच एज नोन एज पाइथन. दीज स्नैक्स आर आल्सो फाउंड इन हिल फॉरेस्ट. ठीक है, पाइथन जो स्नेक की एक प्रजाति होती है सांप की, वो भी इन पहाड़ियों पर पाई जाती है. हिल्स एंड माउंटेन आल्सो एड्स इन कॉजिंग रेनफॉल. हिल्स जो होते पहाड़ी और माउंटेन्स पहाड़ जो होते हैं वो जो होते हैं रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं. बिसाइड वी ऑब्टेन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइन लोकेटेड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो हम बहुत तरीके की माइंस पाई जाती है, जैसे कोल माइंस. ठीक है, कोयले की खान, वो कहाँ पर होती है? अर्थ के, जमीन के बहुत नीचे होती है. तो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इज़ ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. प्रीशियस मीन्स कीमती. इट शुड बी कंजर्व. इसको हमको बचा के रखना है. द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. मिट्टी को, मृदा अपरदन को बचाना, मिट्टी को ख़त्म होने से बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फर्स्टली हमें क्या लगाना है? पेड़ पौधे लगाना है, उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन. ठीक है, सॉइल कैन रिकवर टू मिनरल न्यूट्रिएंट्स नेचुरली. इट डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन ऑन फरमाइन.
The practice of growing different crop on a farmland is called crop rotation. जैसे एक बार हमने pulses की crop लगा दी, pulses means दालों की, तो दूसरी बार हम कोई भी crop लगा सकते हैं, क्योंकि दालों से क्या हो जाता है, soil में क्या पहुँच जाते हैं, nitrogen पहुँच जाती है, ठीक है. तो nitrogen is the केमिकल, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं. समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से हम क्रॉप रोटेट करके सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं. वाटर फ्लोइंग एट स्पीड्स टेक अवे द टॉप सॉइल. सो हमें क्या बनाना है, स्टेप फार्मिंग करनी है, जिससे कि क्रॉप जो है वो सॉइल बह ना पाए, ठीक है, वाटर के साथ. लार्ज ओपन लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट एट सच. स्ट्रॉन्ग विंड टेक अवे द टॉप सॉइल. सो ट्रीज एंड बुशेज शुड बी प्लांटेड इन सच एरिया. हमें खाली स्थान नहीं छोड़ना है, हमें वहाँ पर प्लांट वगैरह ग्रो करवाना है. ये भी हमें सॉइल कंजर्वेशन का काम करेंगे. इस तरीके से इन स्टेप्स के थ्रू हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.